नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ रालोसपा के उम्मीदवार सत्यदेव प्रसाद सिंह जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनके समर्थकों से बातचीत करेंगे कि इतने दिनों से उनका दौरा चल रहा है तो लोगों का समर्थन उन्हें कैसा मिल रहा है और जो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो क्या चाहती है। सर बताइए, क्या लगता है इस बार क्या होगा? सत्यदेव प्रसाद सिंह जीतेंगे, विधायक जी फिर जीतेंगे। जनता का रुझान किसके तरफ है, क्योंकि दौरे में आप लोग हमेशा साथ में रहते हैं? विधायक जी की ओर। सर आप बताइए, क्या लगता है इस बार गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना विधायक चुनना चाहेगी? हम लोग तो सत्यदेव बाबू को ही देंगे वोट। सत्यदेव बाबू हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं और इनसे आशा भी आगे भी हम लोग रखते हैं। आपको क्या लगता है? इनसे बढ़िया गोरिया कोठी में एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं है, सब चोर चूहड़ खड़ा है, हवा बना रहा है जात पात के नाम पे। हम लोग जात पात से ऊपर उठ करके और वोट करेंगे। सर आपको क्या लगता है? सत्यदेव बाबू एकदम, इनसे कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है। हम अब फिर सत्यदेव प्रसाद सिंह से भी बात करेंगे कि आखिर जो दौरा चल रहा है उसमें रुझान किसकी तरफ है और जो जनता है वो क्या चाहती है। सदेव जी ये बताइए कि कुछ दिनों से आप दौरे पे चल रहे हैं तो गोरियाकोटी विधानसभा की क्या है? मैं विकास का वोट मांग रहा हूँ। रुझान है, हमारे साथ है। ये तो जितने लोग आए हैं 5 बरस पर ये शुभकामना देने आते हैं। चुनाव के बाद कोई दिखाई पड़ेगा? कोई गैस एजेंसी का मालिक है तो कोई कंस्ट्रक्शन का मालिक है, कोई पेट्रोल टंकी का मालिक है तो कोई कपड़ा दुकान का बिजनेसी है, कोई स्कूल चलाता है। उन लोग का जनता से क्या लेना देना है? 5 बरस पर उनको जनता याद पड़ती है, फोटो छिपकाते हैं और शुभकामना देते हैं। होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, गंगा नहान के अवसर पर जनता से क्या लेना देना है? जनता के बीच में काम किया हो, रुझान मेरे साथ है। अच्छा ये बताइए कि अभी तक कुछ दिन पहले भी हम लोग आपसे मिले थे, कल भी आपसे मिले थे, एटीएन लाइव के जो टीम है वो आपसे मिली थी, अभी तक आपने किन किन क्षेत्रों में दौरा कर लिया है? मैं तो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक बार कई बार दौरा कर दिया हूँ, कई बार दौरा कर दिया हूँ, कोई गांव से वंचित नहीं है। एटीएन लाइव के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील कर रहा हूँ कि मैंने आपका विकास किया है, विकास किया है, मेरा मजदूरी दीजिए यानी मुझे वोट दीजिए ताकि आपका विकास की गति को आगे और बढ़ावे, यही अपील है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यदेव सिंह जी जो कि पहले आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, अभी वो रालोसपा के उम्मीदवार हैं, रालोसपा से खड़े हुए हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में। अब देखना ये होगा, इनका कहना ये है कि मैंने विकास किया है उसकी मजदूरी दीजिए, यानी कि इस बार जब ये रालोसपा से खड़े हुए हैं तो इनको वोट देकर गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में विधायक के रूप में जो गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र की जनता है इन्हें चुने और विधानसभा में भेजने का काम करें। अब तो देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, जब मतगणना होगी 10 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तो उसमें गोरियाकोटी विधानसभा की जनता किनको सपोर्ट की है, ये इसका निर्णय तो उसी दिन निकल के आएगा। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, एटीएन लाइव, सिवान।